युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने रस्तोगी कॉलेज की हाईटेक अस्पताल में भर्ती छात्राओं से मुलाकात की। छात्राओं द्वारा उनके आयुष्मान कार्ड से अस्पताल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त दवाएं मंगाने और रस्तोगी कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनकी अनदेखी करने की शिकायत संगठन के पदाधिकारियों से की। रस्तोगी कॉलेज की फूड पॉइजनिंग की शिकायत छात्राओं का इलाज हाईटेक अस्पताल में जारी है। वहीं बुधवार को कुछ छात्राओं को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती छात्राओं से मुलाकात की, जिसमें छात्राओं द्वारा उनके इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त दवाएं मंगाने और आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की जानकारी संगठन के पदाधिकारियों को दी गई। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इलाज में किसी तरह का सहयोग नहीं करने की शिकायत छात्राओं द्वारा की गई है। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर रस्तोगी कॉलेज का प्रबंधन अस्पताल में उपस्थित हुआ और प्रबंधन द्वारा नगद रकम जमा करने की बातें कही गईं। युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन और एक अन्य पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ये रस्तोगी कॉलेज नर्सिंग जो कॉलेज है, रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज जो है, भारत सरकार राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, कौशल योजना के अंतर्गत में, जहाँ पर जो छात्राएं अध्ययन कर रही थी और उस बीच में फूड पॉइजनिंग जो हुआ है उसके अंतर्गत हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और भर्ती पश्चात में जो स्थिति यहाँ पे बनी है, उनका आयुष्मान कार्ड से पैसा लिया जा रहा है, दवाई का भी पैसा आयुष्मान कार्ड से लिया जा रहा है, भोजन का भी पैसा आयुष्मान कार्ड से लिया जा रहा है। ये कॉलेज प्रबंधन का उसमें महत्व होना चाहिए और इसका जवाबदारी कॉलेज प्रबंधन का है, जो कॉलेज प्रबंधन उस पर नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आने के बाद विरोध करने पर, युवा शक्ति संगठन के आने के बाद जब हम विरोध किए, तो यहाँ पे प्रबंधन जो है, प्रबंधन की उपस्थिति यहाँ पे हुई है और प्रबंधन पैसा उसको कैश जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, बहुत मात्रा में दवाइयाँ जो खरीद के रखे हैं, उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। और जितने भी दूर से आए हैं, जो छात्र दूर से आए हैं, उसकी पूरी व्यवस्था, जाने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था उसको करने की बात हुई। अभी कैसी स्थिति है छात्राओं की? छात्राएं बहुत सारे जो छात्र हैं, 5-6 जो छात्र हैं, उसकी अभी छुट्टी हो रही है यहाँ पे, और बाकी जो ज़्यादा परेशानी में है उनका भी इलाज के लिए रखे हैं। तो रस्तोगी कॉलेज के द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, रस्तोगी का करोड़ों रुपये उसमें इकट्ठा किया कर रही है, पर अपने गाँव से जो आए हुए बच्चे लोगों के खाने पीने की कोई भी व्यवस्था सही नहीं थी। अभी तक जो लोग बोल रहे हैं कि पानी के कारण हुआ है, पर मैं पक्का मान रहा हूँ कि इसमें खाने पीने में अनियमित पाया गया है, क्योंकि खाना बासी भोजन दिया गया तभी का इस कारण हुआ है। ये पानी की समस्या बता रहे, ठीक है, वो जांच का विषय है, पर आज भी प्रशासन एक भी रुपए इनके पीछे, बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना कोई खर्चा कर रहा है, आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा दे रहे हैं, यानी कि सरकार को दोबारा छोड़ दे रहे हैं। एक तो चोरी की है, फिर दोबारा और जो है छोड़ दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा के। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी, रस्तोगी कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसका पूरा इलाज करवा, और ना इनके देख रेख के लिए कोई भी कॉलेज का बंदा यहाँ पर रुका नहीं है हॉस्पिटल में। अब वो बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से कोई यूपी से है, कोई जांजगीर चांपा से है, कोई कोरबा से है, कोई बिलासपुर से है, तो वो बच्चे कहाँ से ये करेंगे? कुछ बच्चों की स्थिति ये है कि उनको खाने की भी क्वालिटी आप देखोगे तो आप खा नहीं सकते उसका खाने को। ऐसी हॉस्पिटल में भी व्यवस्था है, खिचड़ी खिला रहे हैं, ठीक है, खिचड़ी हो सकता है खिलाने की उनकी नियम होगी, पर उसमें क्वालिटी देखो तो कुछ नहीं। और ये बोलते हैं कि हम उनका दावा कर रहे हैं कि हम इनको स्वस्थ करते हैं, वो स्वस्थ तो हो रहे हैं, पर भी कॉलेज प्रशासन इसमें पूरी तरह से नाकाम है और कोई भी काम उन्होंने ढंग का नहीं किया है, और वो डबल चोट लगा रहे हैं गवर्नमेंट। बहरहाल संगठन के पदाधिकारियों ने छात्राओं के माध्यम से खरीदी गई अतिरिक्त दवाओं को वापस लेने की मांग की है, साथ ही छात्राओं को उनके गंतव्य तक कॉलेज प्रबंधन के जरिए पहुंचाने प्रबंधन से कहा है, साथ ही मामले के दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।